एक और छत्तीसगढ़ में राशन दुकानों पर बांटे जाने वाले घुने और सड़े चने को लेकर हंगामा हो रहा है, तो वही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जा रहे सरकारी चने में फफूंद निकलने का मामला सामने आने के बाद सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के बैतूल में सामने आया है, जहां सरकारी चने के सैंपल लिए गए जिसमें फफूंद निकलने पर उसे प्राइवेट वेयरहाउस को वापस किया गया है। बताया जा रहा है कि 2018 में नाफेड ने समर्थन मूल्य पर चना खरीदी की थी और ये चना सरकारी वेयरहाउस के अलावा प्राइवेट वेयरहाउस में रखा था। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने गरीबों की मदद के लिए उन्हें राशन में चना भी फ्री बांटने की योजना चलाई, जिसमें बैतूल में रखा नाफेड का चना छत्तीसगढ़ सरकार को देने के आदेश किए थे। शुक्रवार को चिचोली के प्राइवेट वेयरहाउस से 4 ट्रक में लगभग 100 टन चना रायपुर के लिए रवाना हुआ था, लेकिन ड्राइवर को कम वजन और वाटर डैमेज का संदेह हुआ तो उसने ठेकेदार को इसकी सूचना दी। ठेकेदार की शिकायत पर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन बैतूल की टीम ने इन ट्रक में भरे चने के बोरों से सैंपल लिया तो उसमें फफूंद वाला चना भी निकला। इसके अलावा चने में कचरा भी निकला। गड़बड़ी उजागर होते ही इन चारों ट्रक को तत्काल प्राइवेट वेयरहाउस वापस भेजा गया। अब मामला सामने आने के बाद अधिकारी जांच करने की बात कर रहे हैं। वही ठेकेदार का कहना है कि ऐसा चना तो गाय भी नहीं खाएगी। भले ही अधिकारी जांच की बात कर रहे हो, लेकिन इस मामले से साफ है कि वेयरहाउस में गड़बड़ी तो हो रही है। ठेकेदार ने एक ट्रक पर 3 क्विंटल चना कम मिलने का भी संदेह व्यक्त किया है। भले ही गरीबों को ये चना फ्री मिल रहा हो, लेकिन इसका बाजार मूल्य 4,800 रुपये प्रति क्विंटल है। अभी तक बैतूल से 2500 टन चना छत्तीसगढ़ जा चुका है और 4-500 टन चना जाना अभी बाकी है। क्या नाम है आपका? राममन। राम, ये क्या लाए थे इसमें और तो वापस जा रहा है? चना भर के आए जी। कहाँ से? चिचोली से। हाँ। अब वो सिंपल लिया गया है तो उसमें खराबी बता रहा है वे लोग। कितनी खराबी आई इसमें? ये तो सर हम ये मालूम नहीं, मतलब पीछे वाला छल्ली में हुआ है, अब देखो आगे कितना क्या हुआ है अपन को ये नहीं मालूम। क्या क्या करते हो? ड्राइवरी करता हूँ सर। क्या लाए थे, कहाँ से लाए थे? चिचोली से चना भर के आए हैं। कहाँ लाए थे? ये जा रहा है सर रायपुर। अच्छा, तो क्यों रोक दिया? क्यों भाई, वजन में थोड़ा सा हमारे को कुछ शंका हुई तो हमने अधिकारी यहाँ वेयरहाउस में अधिकारी के लिए रोक दिया। तो भाई आप वजन थोड़ा सा हमारे को शंका हो रही है, शंका का समाधान कर दो भाई हमारा, इसलिए हमने गाड़ी रोके थे। फिर क्या निकला इसमें? इसमें अब देखो काटा करेंगे, अब उसके बाद पता चलेगा सर क्या होता है। सैंपल भी लिया है? नहीं, सैंपल लिया है, सैंपल में उतना कोई ये नहीं है। नहीं खराब चला? नहीं नहीं नहीं, उतना कुछ खराब नहीं है। अब वो 2 साल का रखा हुआ है सर, एक दाना दो दाना तो अब जमीन में गीलापन आ ही जाता है। सरकारी चना है क्या? सरकारी चना है सर। तो नहीं ऐसे क्यों रखा था? अब ये नहीं सर, ये जानकारी मेरे को नहीं सर। किसकी गोदाम से आया ये? ये है बाली सिटी गोदाम से, वो सरकारी क्या ना है, वो ये उनसी कंपनी बोलते हैं, उनने रखा है। सभी वेयर हाउस में रखा है वो तो हर वेयर हाउस में है चना। ये 4 गाड़ी लोड है सर। दीपक, क्या पूरा नाम है आपका? दीपक लेडवानी। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेली छत्तीसगढ़ से। ये जो चना है ये क्या है पूरा मामला? सर अपन को यहाँ से दे रहे हैं, अपने को वहाँ पे सप्लाई करनी है गवर्नमेंट को ग्रेडिंग करके। तो आज क्या हुआ उसमें? हुआ ये सर कि कल यहाँ से चिचोली से गाड़ियाँ लोड हुई तो ड्राइवर ने अपने को बताया कि वाटर डैमेज माल है। मैंने उनसे कहा कि आप गाड़ियाँ वहीं खड़े कर दो और मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे। आज सुबह हम लोग निकले और यहाँ पे आके। क्या ये वाटर डैमेज अपने आप हो सकता है? क्या हो सकता है? गोडाउन का कहाँ पे हवा साइड उड़ गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है। ऐसा सुना गया कि पानी डाला गया उसके ऊपर से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर डैमेज है, तूफान उफान आता है, कभी साइड उड़ जाता है, कुछ हो सकता है। नहीं तो नकारा नहीं जा सकता। नहीं तो ये तो गोदाम वाले की जिम्मेदारी है ना? जिम्मेदारी है। किसकी गलती मानते हैं आप इसमें? गोदाम वाले की। कितना चना बैतूल से जाना है छत्तीसगढ़ अभी? तो अपन ने 2000 टन उठा चुके हैं। और अभी कितना बाकी रह गया? अभी 300-400 ही बाकी रह गया। अभी आज जो चने का सैंपल लिए वो कैसा था चना? वो तो गाय खाने लायक भी नहीं था। फिर ये किसको खिलाना वाले थे वहाँ पर? आदमी खाते तो हमारी सतर्कता से ये नहीं। तो इसका उपयोग वहाँ क्या होना था छत्तीसगढ़ में? ह्यूमन कंजूप्शन ही होता। PDS में जाना? PDS में जाता।
बहुत आसानी आसान। सर पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मैं वासुदेव दवंडे, शाखा प्रबंधक, वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन बैतूल। दवंडे जी आज क्या हुआ? किस संदर्भ में आज जो चना यहाँ आया था क्या हुआ है? चने के संदर्भ में जो हमारे गुरु साहब वेयरहाउस चिचोली से जो चना निकला था उसमें पार्टी द्वारा कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि कुछ गुणवत्ता को लेकर इशू था, यही मैटर। किस तरीके का चना था? फफूंद लगा चना था, वो सारा देखा गया? वो अभी इन्वेस्टिगेशन में है। आपने सैंपल तो लिए हैं, आप देख तो रहा है चना के फफूंद? सैंपल लिया है, नेफेड वालों को सैंपल हम कल दिखवाएंगे, अभी जाँच में है। देख तो रहा उसमें फफूंद लगी है पूर्ण रूप से, मतलब अभी पूरा माल फफूंद वाला नहीं है, आंशिक रूप से जो कहीं कहीं कुछ गोरियों में दिखा गया है वो कल ही स्थिति। आपने भी तो पूर्ण रूप से चेक नहीं किया ना नीचे तक, आपने पीछे का रेंडमली चेक किया ना? रेंडमली में फफूंद लगी है? नहीं, कुछ कुछ बोरियों में है जो पानी लग गया। तो ये तो गोदाम में रखा था, कब से रखा था ये और कहाँ जा रहा था? ये नेफेड का चना है, 2018 से रखा है। कहाँ जा रहा था सर ये? रात। अब क्या किया गया उसके चने का? अभी तो हमने डिलीवरी रोक दी है, जांच का विषय है, नेफेड को बता के उसको जांच करेंगे, गुणवत्तापूर्ण माल ही भुगतान होगा। क्या ये जो सरकारी अनाज है इसमें जो लापरवाही सामने आई है किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, मुझे आज लापरवाही संज्ञान में आया है, मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो भी मेरा संचालक वाला दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन सर, लेकिन प्रथम दृष्टि तो लापरवाही नज़र आई। वेयरहाउस में क्या पॉलिसी में वेयरहाउस संचालक की लाइबिलिटी होती है, यदि दोषी है तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब सरकारी अनाज होता है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी भी होती है और लेने के समय मॉनिटरिंग आपकी भी होती है। बिल्कुल। तो ये एक एक मामला सामने आया है, अगर इसमें पूरे मामले पूरे ज़िले में जांच होगी कैसे? यदि इस प्रकार की भी पार्टी शिकायत करती है तो फिर करेंगे। ये अभी तक कोई इशू नहीं आया, केवल इसी गोदाम का एक इशू आया था। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदा है कि क्या है मैटर? नहीं, हम लोग तो कस्टोडियन है, हम नाफेड का माल है, नाफेड को डिलीवरी दे रहे हैं जी। कितना सर खरीद कितना माल था आज जो वापस किया गया? चार ट्रक का इशू था,